दोस्तों, मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल gsstudy.in में आपका स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसा बातें बताने वाले हैं, आज की क्लास हम ऐसी चीज़ की लेकर बातें करेंगे जो सबको जानकर ये हैरानी होगी कि ये सच भी है और वास्तविक भी है। जो लोग को इसमें डाउट है सो आज क्लियर अपने डाउट को कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने स्पष्ट बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहें। तो आज के वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद छोटे बच्चे को क्यों नहीं जलाया जाता है। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में जिन धर्म का जो परंपराएं हैं, जो रिवाज है, वो किया जाता है। लेकिन किसी भी धर्म का अगर बच्चा मरता है तो उसको जलाया नहीं जाता है, उसको क्यों नहीं जलाया जाता है, ये चीज़ को हम लोग को आज पूरे क्लियर जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हर धर्म की अपनी, यानी हर धर्म की जो है अपनी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। ये बात सब लोग समझ रहा है कि हर धर्म की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। इन्हीं में से एक रिवाज होता है, किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसके मृत शरीर को नष्ट करने का, और यह प्रक्रिया हर धर्म में अलग अलग होती है। आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके डेथ बॉडी को, उसके मृत शरीर को नष्ट किया जाता है, या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है, जो भी प्रक्रिया जिस धर्म की है वो किया जाता है। लेकिन बात हम हिंदू धर्म में करते हैं, हिंदू धर्म में शव को जलाने का रिवाज होता है, यानी शव को जलाया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसा भी होता है जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है लेकिन नवजात बच्चों को, नवजात शिशु को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, आइए जानते हैं कि क्यों होता है ऐसा, क्यों हिंदू धर्म में बच्चे को एवं नवजात को दफनाया जाता है, देखिए, और बाकी लोगों को जलाया जाता है, यानी सिर्फ बच्चे को ही दफनाया जाता है, बड़े लोग को नहीं दफनाया जाता, बड़े लोग को जलाया जाता है। दफनाने का मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर उनको गाड़ देना। हिंदुओं में आम तौर पर दफनाया नहीं जाता, हिंदुओं में आम तौर पर दफनाया नहीं जाता है। हिंदू धर्म में आग आध्यात्मिक दुनिया के लिए एक पवित्र प्रवेश द्वार मानी जाती है। शरीर का यह दाह संस्कार व्यक्ति की मृत्यु के 6 घंटे के भीतर होता है। अब स्वाभाविक है कि आदमी जब कोई मर जाता है तो 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा के बाद उनका दाह संस्कार किया जाता है ना। चलिए, मरते मरते तो होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा भी कहा जाता है कि अंतिम संस्कार क्रिया शरीर से अलगाव का एक रूप कहा जाता है। अंतिम संस्कार जो होता है, जो शरीर से अलगाव का एक रूप कहा जाता है। जब शरीर को जला दिया जाता है तो आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रहता है, इसलिए इसे अग्नि द्वारा मुक्त किया जा सकता है। लेकिन बच्चों के लिए जिन्होंने ज़्यादा जीवन नहीं जिया है, उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई अलगाव नहीं होता है, यानी आत्मा का उसके शरीर से कोई अलगाव नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक जीवन नहीं जिया रहता है। इसी कारण बच्चे को जलाने के बजाय उनको दफना दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो आपको समझ में आ गया।